अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी, आज हमारे एक बहुत ही मेहनती भाई हैं, बहुत ही मेहनती ऑपरेटर हैं, कासिम भाई। ये मशीन के ऊपर सेट लगा रहे हैं 20 सिंगल PV का, और ये टैरेट की 30 इंच 24 गेज मशीन है, फ़िलहाल पीके पे चल रही है। और ये कासिम भाई इसके ऊपर सेट लगा रहे हैं। आज आपको सेट लगाने का तरीका दिखाता हूँ, और वो भी कासिम भाई के हाथों का। बहुत ही मेहनती बच्चा है, मेहनती भी है, ईमानदार भी है, अपने काम से मुखलिस भी है। और ऐसे बंदे दुनिया में भी कामयाब होते हैं, आख़िरत में भी कामयाब होते हैं, अल्लाह पाक की नज़र में भी कामयाब होते हैं। अपने अपने काम से पूरा ईमानदार है जी। देखें, माशाल्लाह मेहनत कर रहा है। और दूसरी शर्ट वाले ने इसको सेट नहीं लगा के दिया, तो उस वजह से इसको सेट खुद लगाना पड़ रहा है। कोने काफ़ी ब्रीक हो चुकी हैं और इस वजह से ये मशीन बंद करके तो सेट लगा रहा है जी। ये मेरे, अगर आप ने मेरे चैनल का विज़िट किया है तो मैंने रात को एक शॉर्ट्स वीडियो के अंदर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये मशीन के स्टैंड गिरे हुए थे। ये वही मशीन है जिसका रात को खुद ब खुद स्टैंड गिर गए थे, तो फिर रात को इसको दोबारा स्टैंड फिट किए हैं, दोबारा पाइप लगाए हैं, धागे लगाए हैं। तो इस वजह से ना काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो रात को वर्कर मेरे साथ लगा रहा, तो उस वजह से वो सेट नहीं लगा के गया। तो अभी कासिम भाई को सुबह सुबह आते के साथ ही इतनी गर्मी के अंदर, ये देखें बेचारा पसीनों पसीनी हो गया। भाई वाकई भाई, गर्मी के अंदर निटिंग का काम जो होता है ना, वो करना हिम्मत की बात है। बाकी क्या करें भाई, मजदूरी है, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। क्योंकि मालिक लोग तो खुद एसी में बैठते हैं। ये देखें जी, ये पीके पे चल रही है, सिंगल टक पीके पे 20 PV है, 16 3 4 SL चल रही है इसकी, और 155 160 GSM चल रहा है इसका। बहुत ही आला नस्ल की मशीन है, जितनी पुरानी है उतनी इसकी क्वालिटी भी फाइन है, और प्रोडक्शन भी इसकी वन टफ प्रोडक्शन है। मज़ा करा रही है मशीन। फ़िलहाल तो कासिम भाई लगे हुए हैं इस पर, दिल में दूसरे वर्कर को कोस रहे हैं कि वो सेट नहीं लगा के गया। वो ऐसा है कि जब होता है ना प्रोग्राम चेंज होता है, तो फिर काफ़ी सारा जो मशीनें होती हैं ना, जब काम का लोड हो ना, तो वर्करों से भी ज़ाहिर सी बात है कमी बेशी हो जाती है, कमी कुताही हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है इंसान है, थक भी जाते हैं। और ये वीडियो के बीच में मैं कासिम भाई को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ मशीन के बारे में भी, और क्योंकि कासिम भाई आए हैं मेरे पास नए नए, इन्होंने आज अपनी चौथी ड्यूटी की है मेरे पास, और माशाल्लाह अपना यानी कि लोहा मनवाया है। नहीं तो काफ़ी सारे वर्कर ऐसे आते हैं जो कि महीने महीने साल साल काम करते हैं, फिर भी जाके वो अपना लोहा नहीं मनवा सकते, अपना काम नहीं मनवा सकते। तो ऐसे जो वर्कर होते हैं ना, जैसे कि ये कासिम भाई हैं, कासिम भाई की तरह के जो वर्कर होते हैं ना, ये हर फैक्ट्री के लिए सोना होते हैं। ये किसी भी इदारे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि अपना सिर्फ काम से काम रखते हैं। उनके लिए सिर्फ अपना काम सबसे पहले अहम होता है, ना कोई सियासत, ना कोई बातचीत, ना कोई हंसी मजाक, बस सबसे पहले काम है, बाद में और बाकी चीज़ें हैं।